बीकेबी न्यूज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरें। बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रदेश के अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक की जमानत याचिका को रद्द कर दिया है। मलिक ने अंतरिम राहत की मांग की थी। वही जूहू स्थित अधीश बंगले में अवैध निर्माण की पुष्टि होने के बाद उसे हटाने के लिए बीएमसी ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को 15 दिन का समय दिया है। तो भाजपा नेता मोहित कंबोज ने आरोप लगाया है कि संजय राउत मुंबई उद्योगपतियों की शिकायत कर उनमें डर पैदा करते हैं और फिर उनसे उगाही करने की साजिश रचते हैं। इसी बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने आज फिर एक पेन ड्राइव विधानसभा अध्यक्ष को दिया है। उधर मुंबई में अब चर्च गेट से दहानू रोड के 123 किलोमीटर रूट पर चलने वाली सभी ट्रेनों के महिला कोच में सीसीटीवी लगाने की तैयारी कर रहे हैं। प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। प्रदेश के अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक की जमानत याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। नवाब मलिक ने याचिका दायर कर अदालत से अंतरिम राहत की मांग की थी। मलिक ने अपनी याचिका में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताया था। मलिक ने इस मामले में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को भी रद्द करने का अनुरोध किया था। नवाब मलिक फिलहाल आर्थर रोड जेल में हैं। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था। उन्हें 3 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा गया था। नवाब मलिक पर हसीना पारकर की एक जमीन को खरीदने का भी आरोप है। आरोप यह भी है कि उन्होंने 300 करोड़ की जमीन को महज 55 लाख रुपए में खरीदा। इस पूरे ट्रांजैक्शन में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप मलिक पर लगा है। साथ ही अंडरवर्ल्ड और 1993 बम धमाकों के आरोपियों से संबंध रखने और प्रॉपर्टी खरीदने का भी आरोप है। ईडी ने मलिक पर टेरर फंडिंग का आरोप लगाया है। कुछ दिन पहले रंगापा सुप्रीमो ने कहा था कि मलिक की गिरफ्तारी राजनीतिक से प्रेरित है। उनका नाम दाऊद इब्राहिम से इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। मलिक और उनके परिवार के सदस्यों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, लेकिन हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। जुहू स्थित अधीश बंगले में अवैध निर्माण की पुष्टि होने के बाद बीएमसी ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को एक और नोटिस भेजा है। इसमें कहा गया है कि 15 दिन में बंगले में हुए अवैध परिवर्तन को हटा लिया जाए, अन्यथा बीएमसी स्वयं अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई करेगी। उससे पहले राणे के बंगले में अवैध निर्माण और सीआरजेड के उल्लंघन की शिकायत बीएमसी में की गई थी, जिसके बाद बीएमसी की टीम ने बंगले में जाकर नापजोक किया था। राणे को अवैध निर्माण के मामले में बीएमसी का ये तीसरा नोटिस है। बता दें कि बीएमसी ने अपनी जांच में पाया है कि राणे के जुहू स्थित अधीश बंगले में बिना अनुमति के अवैध परिवर्तन किया गया। बंगले के बेसमेंट से गार्डन तक कई जगह बिना अनुमति के परिवर्तित की गई है। वही राणे ने भेजे जवाब में आरोप लगाया है कि बीएमसी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इशारे पर बदले की कार्रवाई कर रही है। राणे ने बीएमसी को भेजे पत्र में कहा है कि मैंने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सलियान मामले को उठाया। सुशांत सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया, इससे उद्धव ठाकरे सरकार की प्रतिष्ठा पर असर पड़ा। इन्हीं मामलों का बदला लेने के लिए शिवसेना बीएमसी के जरिए उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने शिवसेना सांसद और वरिष्ठ नेता संजय राउत पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर गंभीर आरोप लगाया है। कंबोज ने आरोप लगाया है कि संजय राउत के मुताबिक जितेंद्र नवलानी के जरिए ईडी अधिकारियों ने महाराष्ट्र के उद्योगपतियों से 160 करोड़ रुपए की वसूली की है। कंबोज ने आरोप लगाया है कि संजय राउत बीते 18 सालों से राज्यसभा के सांसद है। उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी सेंट्रल एजेंसी के अधिकारी का जुरिडिक्शन सीबीआई होता है, यानी उन्हें इस बात की सीबीआई एंटी करप्शन विंग में शिकायत करनी चाहिए थी, न कि मुंबई पुलिस में। मोहित कंबोज ने कहा कि संजय राउत जिस तरह की बात कर रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि वो सलीम जावेद की कोई स्टोरी सुना रहे हैं। कंबोज ने आरोप लगाया कि संजय राउत मुंबई में उद्योगपतियों की शिकायत कर उनमें डर पैदा करते हैं और फिर उनसे ही उगाही करने की साजिश रचते हैं। अगर उन्हें वाकई में इस मामले की जांच करवानी होती तो वो सीधे सीबीआई जांच की मांग करते, न कि ईओडब्ल्यू को जांच संबंधी पत्र लिखते। देश में घूस देना और घूस लेना दोनों ही अपराध है। अच्छा होता कि संजय राउत इस मामले की शिकायत मुंबई सीबीआई के एंटी करप्शन विंग से करते, जिसमें इन सभी डेवलपर्स को आरोपी बनाया जाता है। ईडी के संदिग्ध अधिकारियों को आरोपी बनाया जाता है और जिस तरह जितेंद्र नवलानी को ईडी का फ्रंटमैन बताया जा रहा है, वो भी इस मामले में आरोपी बनता है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने आज फिर एक पेन ड्राइव विधानसभा अध्यक्ष को दिया। उन्होंने कहा कि इस पेन ड्राइव में वक्फ बोर्ड के एक सदस्य के दाऊद इब्राहिम से संबंध होने के सबूत हैं। इस पर गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने फडणवीस की खिंचाई करते हुए कहा कि लगता है फडणवीस डिटेक्टिव बन गए हैं। जब यही सवाल पत्रकारों ने फडणवीस से पूछा तब उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने एफबीआई खोली है। एफबीआई मतलब फडणवीस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ और सरकार के काले कारनामे उजागर करना मेरा काम है।
विपक्ष के पास अक्सर पीड़ित और शोषित लोग आते हैं जो ऐसे मामले हमको बताते हैं। आने वाले दिनों में और भी ऐसे कई मामले सामने आएंगे। फडणवीस ने कहा कि मैंने सरकार को पेन ड्राइव दिया है, लेकिन सरकार गिरीश महाजन को किस तरह से फंसाना है, कैसे उनके खिलाफ छापेमारी करनी है, इसमें जुटी हुई है। सरकार को ये सारा मामला सीबीआई को देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब तक सरकार इस मामले की जांच सीबीआई को नहीं देती, तब तक हमारी लड़ाई शुरू रहेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। गृह मंत्री वलसे पाटिल ने देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने कोई हॉटलाइन लगा कर रखी है क्या? किसके घर पर छापा पड़ने वाला है? किस पर कार्रवाई होने वाली है? कौन गिरफ्तार होने वाला है? कौन जेल में जाने वाला है? इस बारे में आपके नेता एक दिन पहले ही बयान देकर बता देते हैं। आखिर ऐसा कैसे होता है? पिछले सप्ताह मुंबई में चरनी रोड स्टेशन के पार लोकल ट्रेन में महिला पर हुए हमले ने फिर सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। पश्चिम रेलवे की 66% लोकल ट्रेनों के डिब्बे में सीसीटीवी लगाए जा चुके हैं, लेकिन ये संख्या बढ़ाने की जरूरत है। पश्चिम रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार पश्चिम रेलवे के पास 211 महिलाएं कोच है, इनमें से 139 में सीसीटीवी लगाए जा चुके हैं। इनमें से ज्यादातर ट्रेनें चर्चगेट विरार के 60 किलोमीटर रूट पर चलती है। अब रेलवे चर्चगेट से दहानु रोड के 123 किलोमीटर रूट पर चलने वाली सभी ट्रेनों के महिला कोच में सीसीटीवी लगाने की तैयारी कर रही है। चरनी रोड स्टेशन पर हुई घटना में भी जीआरपी का दावा है कि अपराधी का चेहरा सीसीटीवी में कैद हुआ है। अपराधी घटना को अंजाम देने के बाद महिला कोच से उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। चेन स्नैचिंग के मकसद से उसने महिला पर हमला किया। इस छिना झपटी में अपराधी के नाखून उसकी गर्दन पर लग गए। जल्द ही अपराधी को पकड़ लिया जाएगा। एक अधिकारी ने बताया कि एआई तकनीक वाले इन कैमरा से अपराधी की हलचल को भी कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जा सकता है। मसलन चरनी रोड केस में अपराधी का चेहरा कैद होने के बाद अब रेलवे स्टेशनों सहित शहर में भी यदि उसकी कोई गतिविधि दिखाई देगी तो उसे पहचान लिया जाएगा। एक आरपीएफ के अधिकारी ने बताया कि इन सीसीटीवी से अपराधी के बारे में 80% तक सूचना मिलने की संभावना है। 26/11 हमलों के बाद रेलवे स्टेशनों पर ISS यानी इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम की योजना तैयार की गई है। इस योजना के तहत 2729 सीसीटीवी चर्चगेट से विरार तक लग चुके हैं। अब इसका दायरा दहानु रोड तक बढ़ाया जाएगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। वहीं भाजपा संसदीय दल की बैठक में भी द कश्मीर फाइल्स फिल्म की चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसका जिक्र किया तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में कहा कि बीते दिनों एक मिसाइल गलती से पाकिस्तान क्षेत्र में जा गिरी थी। इसकी जांच चल रही है, लेकिन पाकिस्तान बात का बतंगड़ बनाने की कोशिशों में जुटा है। इसी बीच उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत ने वरिष्ठ पार्टी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। उधर गुजरात के वलसाड़ जिले के एक स्कूल में जय श्री राम के नारे को लेकर बवाल हो गया है। देश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। कर्नाटक हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। कोर्ट के अनुसार शिक्षण संस्थानों का यूनिफॉर्म तय करना एक उचित पाबंदी है जिस पर स्टूडेंट्स आपत्ति नहीं कर सकते। अदालत ने यह भी कहा कि 5 फरवरी के सरकारी आदेश को अमान्य करने के लिए कोई केस नहीं बनता है। अब याचिकाकर्ताओं ने तय किया है कि वे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। वही अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए बीजेपी ने शांति बनाए रखने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद में पत्रकारों से कहा कि हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों से अपील करता हूँ कि देश और राज्य को आगे बढ़ाए, हम सबको शांति का माहौल बनाकर रखना है। छात्रों का मूलभूत काम अध्ययन और ज्ञान अर्जित करना है, सब लोग एक होकर पढ़ाई करें। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हिजाब को लेकर जो हंगामा था वह इसलिए था कि कैसे मुस्लिम लड़कियों को औपचारिक शिक्षा से दूर रखे और तालिबानी सोच के साथ झोंक दे जिससे उन्हें औपचारिक शिक्षा न मिले। कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वह भारत के संविधान और समाज के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। जम्मू और कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने अदालत के फैसले पर निराशा जताई। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि एक तरफ हम महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं, फिर भी हम उन्हें एक सिंपल चॉइस का अधिकार नहीं दे रहे हैं। यह सिर्फ धर्म की बात नहीं है, चुनने की आजादी का मसला है। भाजपा संसदीय दल की बैठक में भी द कश्मीर फाइल्स फिल्म की चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि फिल्म में जो दिखाया गया उस सत्य को दबाने की कोशिश की गई। मालूम हो कि इन दिनों सिनेमाघरों में चल रही फिल्म कश्मीर फाइल्स की काफी चर्चा है।
90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए नरसंहार और पलायन की त्रासदी को इसमें दिखाया गया है। अब इस फिल्म की चर्चा प्रधानमंत्री ने भी की है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि पीएम मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कश्मीर फाइल्स फिल्म का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कैसे इस फिल्म के जरिए सच को बाहर लाया गया है। पीएम ने कहा कि कैसे सत्य को दबाने के लिए एक इकोसिस्टम काम करता है। कुछ दिन पहले ही फिल्म के कलाकार और निर्माता ने पीएम से मुलाकात की थी। एक दिन पहले लोकसभा में भी कश्मीर फाइल्स का जिक्र हुआ था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने घाटी से कश्मीर पंडितों के पलायन को दर्शाने वाली फिल्म कश्मीर फाइल्स का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि इस विषय पर विपक्षी पार्टी के ट्विटर हैंडल से कही गई बातें सच्चाई से इनकार के उनके रुख को सामने रखती है। कांग्रेस के डीएनए में है कि पार्टी और उसके नेता अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के अपने एजेंडे के लिए केवल एक समुदाय के दर्द को समझते हैं। भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस में संवेदनशीलता की कमी है और अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के लिए वह केवल एक समुदाय के साथ सहानुभूति रखती है। बहरहाल इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर लोग दो खेमे में बंट गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में कहा कि बीते दिनों एक मिसाइल गलती से पाकिस्तान क्षेत्र में जा गिरी थी। इसकी जांच चल रही है, लेकिन पाकिस्तान बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश में जुटा है। रक्षा मंत्री ने अपना बयान पढ़ते हुए कहा कि आदरणीय सभापति महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को 9 मार्च 2022 को हुई एक घटना से अवगत कराना चाहता हूँ। यह घटना इंस्ट्रक्शन के दौरान अनजाने में हुई मिसाइल की रिलीज से संबंधित है। मिसाइल यूनिट के रूटीन मेंटेनेंस और इंस्ट्रक्शन के दौरान शाम को लगभग 7 बजे दुर्घटनावश एक मिसाइल रिलीज हो गई। बाद में ज्ञात हुआ कि यह मिसाइल पाकिस्तान के क्षेत्र में गिरी। यह घटना खेदजनक है, परंतु यह रात की बात है कि इस दुर्घटना से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। फिर भी सरकार ने इस घटना को बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया है और इसके लिए एक औपचारिक उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। कथित दुर्घटना का सटीक कारण जाँच के बाद ही पता चल पाएगा। इस घटना के संदर्भ में ऑपरेशंस मेंटेनेंस तथा इंस्ट्रक्शंस के लिए एसओपी की समीक्षा भी की जा रही है। हम अपने वेपन सिस्टम की सेफ्टी और सिक्योरिटी को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। इस संबंध में यदि किसी प्रकार की भी खामी पाई जाती है, उसे तुरंत दूर किया जाएगा। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारा मिसाइल सिस्टम अत्यंत सुरक्षित और भरोसेमंद है। हमारा सेफ्टी प्रोसीजर और प्रोटोकॉल उच्च स्तरीय है और समय समय पर इसकी समीक्षा भी की जाती है। हमारे आर्म फोर्सेस काफी अभ्यस्त और अनुशासित है और इस प्रकार के सिस्टम को हैंडल करने का अच्छा अनुभव भी रखते हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद प्रदेश कांग्रेस में सिर फुटोवल मचा हुआ है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत ने वरिष्ठ पार्टी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि टिकट न मिलने पर लोग हरीश रावत को तलाश रहे हैं। इस गंभीर आरोप के बाद हरीश रावत का दर्द छलक उठा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी मुझे बाहर निकाल दे। होलिका दहन और हरीश रावत रूपी बुराई का भी इस होलिका में कांग्रेस को दहन कर देना चाहिए। पद और पार्टी टिकट बेचने का आरोप अत्यधिक गंभीर है, खासकर यदि वह आरोप एक ऐसे व्यक्ति पर लगाया जा रहा हो जो मुख्यमंत्री रहा है, जो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा है, जो पार्टी का महासचिव रहा है और कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य है। यह आरोप और गंभीर हो जाता है जब एक अत्यधिक महत्वपूर्ण पद पर विद्यमान व्यक्ति द्वारा और उसके समर्थकों द्वारा प्रचारित प्रसारित करवाया जा रहा हो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी मेरे ऊपर लगे इन आरोपों के आलोक में मुझे पार्टी से निष्कासित करे। गौरतलब है कि रंजीत रावत ने हरीश रावत पर हमला बोलते हुए कहा था कि नए नेताओं को हरीश रावत ऐसे अफीम चटा देते हैं कि वे मोहपाश से बाहर नहीं निकल पाते। उन्हें खुद हरीश रावत के चंगुल से निकलने में 36 साल लग गए। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के पैसे हरीश रावत के मैनेजर ने लौटा दिए हैं, लेकिन अभी बहुतों के बाकी है। हरीश रावत कांग्रेस की हार के सबसे बड़े जिम्मेदार है। गुजरात के वलसाड जिले के एक स्कूल में जय श्री राम के नारे लेकर बवाल हो गया। वापी के मिशनरी स्कूल सेंट मेरी स्कूल ने छात्रों को फटकार लगाई और उन्हें निष्कासित करने का नोटिस दिया है। इसके बाद छात्रों के माता पिता स्कूल पहुंचे और हंगामा किया। हिंदू संगठन भी पहुंच गए। बवाल बढ़ने पर स्कूल प्रबंधन को माफी मांगनी पड़ी। जय श्री राम का नारा लगाने वाले छात्र कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं। दरअसल मिशनरी स्कूल सेंट मेरी में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले दो छात्रों ने एक दूसरे को बधाई देने के लिए जय श्री राम का नारा लगाया।
इसे स्कूल के नियमों के खिलाफ बताते हुए स्कूल प्रबंधन ने छात्रों पर कार्रवाई की। आरोप है कि स्कूल के अंदर छात्रों को घुटने में बल बैठा दिया गया। स्कूल टाइम पर छात्रों को घंटे घुटने के बल बैठाया रखा गया। छात्रों पर कार्रवाई के बाद स्कूल प्रबंधन ने उनसे माफीनामा लिखवाया। छात्रों ने घर आकर स्कूल प्रशासन की शिकायत की। शिकायत के बाद नाराज माता पिता स्कूल पहुंचे और उन्होंने हंगामा किया। इसी दौरान कुछ हिंदू संगठन भी मौके पर पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। विवाद बढ़ने लगा तो स्कूल प्रशासन ने पुलिस बुला ली। हालांकि मामला तूल पकड़ता देख स्कूल प्रशासन को माफी मांगनी पड़ी। हिंदू संगठन के नेता सुशील यादव ने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब मिशनरी स्कूल ने बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार किया है। सावन के महीने में या हिंदू त्योहारों के अवसर पर भी इस तरह की कार्रवाई की गई है। स्कूल बच्चों को हाथों में कलावा नहीं बांधने देते, उन्हें तिलक तक नहीं लगाने दिया जाता है। पाकिस्तान में डीजल की किल्लत हो गई है। खबर है कि उसके पास महज 5 दिन के डीजल का स्टॉक बचा है। तो यूक्रेन में चल रही भीषण जंग के बीच ब्रिटेन के रक्षा सूत्रों ने दावा किया है कि रूस के पास अब केवल 10 से 14 दिन का ही गोला बारूद बचा है। वहीं अमेरिका के दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट दोनों हाथों से पैसा बना रहे हैं। सोमवार को उनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे इंक के शेयर की कीमत पहली बार $5 लाख पहुंच गई। इसी बीच पाकिस्तान में भारतीय मिसाइल के गिरने की घटना पर अमेरिका का बयान आया है। अमेरिका ने कहा है कि ये महज एक आकस्मिक घटना थी, जानबूझकर किया गया अटैक नहीं था। उधर चीन में कोरोना वायरस एक बार फिर से कहर मचा रहा है। बीते दिन यहां रिकॉर्ड 5,280 नए केस दर्ज हुए हैं। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। यूक्रेन रूस संघर्ष के बीच पाकिस्तान में डीजल की किल्लत हो गई है। ऐसी खबर आ रही है कि उसके पास महज 5 दिन के डीजल का स्टॉक बचा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ने से पाकिस्तान पेट्रोलियम उत्पादों की कमी से जूझ रहा है। इस समय उसके पास डीजल का केवल 5 दिनों का भंडार बचा है। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तानी बैंकों ने भी वहां की तेल कंपनियों को उच्च जोखिम वाली श्रेणियों में रखा है। बैंकों ने इन कंपनियों को और ऋण देने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान सरकार ने बीते 16 फरवरी को पेट्रोलियम उत्पादों के दाम 10 से 12 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए थे। पाकिस्तान सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार पेट्रोल की कीमतों में 12.03 रुपए प्रति लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 9.53 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। इसके अलावा लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 9.43 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी और केरोसिन तेल के दाम भी 10.08 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए थे। पेट्रोलियम पदार्थ की कीमतें आसमान में पहुंचने के बाद पाकिस्तान सरकार की भारी आलोचना होने लगी थी। इसके बाद 1 मार्च 2022 के पेट्रोल के दाम में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती हुई थी। इसी के साथ बिजली की दरों में भी 5 रुपए प्रति यूनिट कटौती की घोषणा हुई थी। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि अगले बजट यानी जून के आखिर तक पेट्रोलियम और बिजली की कीमतों में वृद्धि नहीं की जाएगी। यूक्रेन में चल रही भीषण जंग के बीच ब्रिटेन के रक्षा सूत्रों ने दावा किया है कि रूस के पास अब केवल 10 से 14 दिन का ही गोला बारूद बचा है। ब्रिटेन के ताज़ा खुफिया सूत्रों से यह भी खुलासा हुआ है कि एक तरफ जहां गोला बारूद खत्म हो रहा है, वहीं उन्हें जंग के मैदान में बढ़त बनाने में भी बहुत मुश्किल आ रही है। यही नहीं, जिन इलाकों पर रूस ने कब्जा कर लिया है वहां भी उसे बनाए रखना भी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। ब्रिटेन ने यह दावा ऐसे समय पर किया है जब ऐसी खबरें आई है कि रूस ने चीन से सैन्य मदद के रूप में हथियार और ड्रोन विमान मांगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हमले का आज 20वां दिन है, लेकिन कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों में रूसी बमबारी के बाद भी रूसी सेना को बढ़त बनाने में बहुत मुश्किल हो रही है। पुतिन के सहयोगियों ने भी इसे माना है। इस बीच अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है कि रूस का जमीनी हमला लगभग रुक सा गया है। ब्रिटेन के एक रक्षा सूत्र ने कहा है कि यूक्रेन की जंग में रूस के हथियार खत्म होते जा रहे हैं, उसके सैनिक कम पड़ते जा रहे हैं और ऊर्जा भी खत्म होती जा रही है। अब उनके पास इसे समाप्त होने में मात्र 14 दिन का ही समय बचा है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि देश की रक्षा करने वाले साहसी सैनिक रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। जल्द ही रूस के हेलीकॉप्टरों को मार गिराए जाने की संख्या सैकड़ों में पहुंचने जा रही है। रूस ने पहले ही 80 फाइटर जेट को खो दिया है। रूसी सेना के सैकड़ों टैंक और हजारों की तादाद में अन्य उपकरण नष्ट हो गए हैं। 19 दिनों की जंग में रूस को चेचेनिया में कई वर्ष तक चली दो जंग से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिका के दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे दोनों हाथों से पैसा बना रहे हैं। सोमवार को उनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे इंक के शेयर की कीमत
पहली बार $5 लाख पहुंच गई। यह दुनिया का सबसे महंगा शेयर है। कंपनी के क्लास ए शेयर की कीमत में इस साल 10% तेजी आई है, जबकि इस दौरान अमेरिकी शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में 12% गिरावट आई है। इस कंपनी का मुख्यालय नेब्रास्का के ओमामा में है और इसकी मार्केट वैल्यू करीब $731 अरब है। यह मार्केट वैल्यू के हिसाब से अमेरिका की छठी सबसे बड़ी कंपनी है। इसमें बफे की 16.2% हिस्सेदारी है। कंपनी के शेयरों में उछाल से बफे $119.2 अरब की नेटवर्क के साथ दुनिया के 5वें सबसे बड़े रईस है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक बफे की नेटवर्क में इस साल $10.5 अरब का इजाफा हुआ है। इस दौरान टॉप 10 में शामिल सभी रईसों की नेटवर्क में भारी गिरावट आई है। बर्कशायर ने पिछले साल $27.46 अरब का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया था। अब 91 साल के हो चुके बफे ने जब 1965 में इस टेक्सटाइल कंपनी की कमान संभाली थी तो इसके शेयर की कीमत $20 से भी कम थी। कंपनी अपना वजूद बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन बफे के सफल नेतृत्व ने इसमें सफलता की नई कहानी लिखी। इस दौरान कंपनी के शेयर में लगातार तेजी बनी रही और आज यह दुनिया का सबसे महंगा शेयर है। कंपनी का ज्यादातर कारोबार अमेरिका में ही है और उसके 3,72,000 कर्मचारियों में से 77% अमेरिका में ही है। 2021 के अंत में कंपनी के पास $146.7 अरब का कैश था। पाकिस्तान ने हाल ही में भारत पर उसके एयर स्पेस का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। दावा किया गया था कि पाकिस्तान में 262 किलोमीटर अंदर भारत की तरफ से आया ऑब्जेक्ट खानेवाल जिले के मियां चन्नू इलाके में जा गिरा। भारत ने इस पर स्पष्टीकरण दिया था कि यह तकनीकी खराबी के कारण हुई एक घटना थी। अब अमेरिका भी भारत के पक्ष में आ गया है। अमेरिका ने कहा कि यह महज एक आकस्मिक घटना थी, जानबूझकर किया गया अटैक नहीं था। अमेरिका ने कहा है कि मिसाइल के दुर्घटनावश चलने के अलावा अन्य कोई कारण नजर नहीं आता। भारत सरकार ने भी कहा था कि 2 दिन पहले गलती से एक मिसाइल चल गई थी जो पाकिस्तान में गिरी और यह अत्यंत खेदजनक घटना नियमित रखरखाव के दौरान एक तकनीकी खराबी के कारण हुई थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना ने दावा किया था कि ये मिसाइल भारत के सिरसा से उड़ान भरी थी और कुछ देर बाद ही मिसाइल ने अपनी दिशा बदल ली थी और पाक की तरफ मुड़ गई थी। ये मिसाइल पाकिस्तान के मियां चन्नू इलाके में गिरी थी। हालांकि भारत और पाकिस्तान दोनों की ओर से यह स्पष्टीकरण नहीं किया गया कि किस मिसाइल ने पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने पूछा था, भारत बताया कि उसने कौन सी मिसाइल दागी थी। पाकिस्तान की तरफ से ये भी कहा गया था कि पाकिस्तानी वायुसेना भारत की ओर से आए ऑब्जेक्ट की निगरानी कर रही थी। भारत ने इसे टेक्निकल खराबी की वजह से हुई एक दुर्घटना बताया था। चीन में कोरोना वायरस एक बार फिर से कहर मचा रहा है। बीते दिन यहां रिकॉर्ड 5,280 नए केस दर्ज हुए। नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक कोविड-19 की शुरुआत से लेकर अब तक एक दिन में मिले नए मामलों की यह सबसे बड़ी संख्या है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए करीब 10 शहर और काउंटीज में लॉकडाउन लगा दिया गया है। चीन के टेक हब कहे जाने वाले शहर शेंजेन में भी लॉकडाउन है। बीते दिन यहाँ 75 नए केस मिले हैं। इस तरह करीब 17 मिलियन लोग घरों में कैद कर दिए गए हैं। पूरे चीन में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट काफी तेजी से फैल रहा है। NHC के आंकड़ों के अनुसार इस बार कोरोना की सबसे ज्यादा मार जिलिन प्रांत पर पड़ी है। यहां सोमवार को 3,000 से अधिक डोमेस्टिक ट्रांसमिशन पाए गए। बीते दिन चीन के मुख्य भूभाग के कई शहरों में संक्रमण के 1,337 मामले सामने आए। चीन के मुख्य भूभाग पर शेंजेन से लेकर किंगदाओ तक के लोग संक्रमित हो रहे हैं। हालांकि यूरोप या अमेरिका या हांगकांग शहर में आने वाले संक्रमण के मामलों से यह संख्या कहीं कम है। हांगकांग में रविवार को कोरोना वायरस के 32,000 मामले आए। सरकार ने संकेत दिया है कि वह समय रहते संक्रमण के प्रसार को रोकने की अपनी सख्त रणनीति कायम रखेगी। शंघाई फूडान विश्वविद्यालय से जुड़े एक अस्पताल में संक्रामक रोग के प्रमुख विशेषज्ञ झांग वेनहोंग ने कहा कि मुख्य भूभाग में संक्रमण के मामले शुरुआती स्तर में है और इनमें अत्यधिक वृद्धि देखी जा सकती है। शंघाई में सोमवार को 41 नए मामले आए। संक्रमण के ये ज्यादातर मामले ओमिक्रॉन स्वरूप के BA.2 स्वरूप के है, जिसे स्टील ओमिक्रॉन भी कहा जाता है। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए VKB News। नमस्कार।